अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद अलमा सुल्तान है, आप सबको खुश आमदीद। आज हम चिकन आलू पुलाव बनाएंगे। ये रेसिपी बहुत आसान है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले हमने ऑयल लिया है हसबे ज़रूरत, तो उसमें बारीक कटी हुई प्याज डाली है, जो कि हम 3 से 4 किलो पुलाव बनाने वाले हैं तो इसलिए हमने बड़ा बर्तन इस्तेमाल किया है। ऑयल में प्याज डालने के बाद आपने इसे थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। प्याज में थोड़ा सा चमचा हिलाते रहें। प्याज को पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और प्याज अब थोड़े से पक भी चुके हैं, तो चलिए अब चिकन इसमें ऐड करते हैं। चिकन हम ले रहे हैं यहाँ पर 1.5 kg, यानी 1.5 kg ले रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने 1/2 kg के करीब आलू भी शामिल करने हैं इसमें। सारा चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर हम चिकन को पकाना शुरू करेंगे। अच्छे से हिलाएंगे हम इसको, मिक्स करेंगे प्याज के साथ। चिकन को अब हमने शुरू में मीडियम फ्लेम पर पकाना, यानी धीमी आंच पर पकाना है ताकि ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए और प्याज भी जले ना। चिकन को अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। अब 1 से 2 मिनट हमने इसको पका लिया। अब इसमें हम साबित मसाले डालेंगे। साबित मसालों में इस्पात, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी शामिल की है। हम इनको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चिकन में से। अब देख सकते हैं आप, चिकन पकना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे तकरीबन 3 चम्मच के करीब, 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर इसे पकने देंगे ताकि मसालों और अदरक का जायका अच्छे से चिकन में शामिल हो जाए। उसके बाद हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं इसमें। टमाटर हमने 1 प्लेट के करीब लिए हैं, तकरीबन 5 से 6 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटरों को अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर गलने तक हमने इसको पकाना है। टमाटर डालने के बाद अब इस बारी है मसाले डालने की। उसमें हम मसाले, बिरयानी मसाला जो कि मैंने शान का बिरयानी मसाला यूज़ किया है, लाल मिर्च, हल्दी और नमक हसबे जायका तौर पर हमने शामिल किया। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से पकने देना है। उसके बाद हमने चावलों के मुताबिक पानी शामिल करेंगे, लेकिन पहले ये सब चीज़ें अच्छे से पक जाएं, टमाटर गल जाएं। उसके बाद देखिए टमाटर पकना गलना शुरू हो चुका। टमाटर गलने के बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए थे और ज़रूरत के मुताबिक पानी भी शामिल कर दिया था। अब चावलों के मुताबिक जितने चावल हमने लिए हैं उतना पानी हम डाल देंगे। पानी में उबाल आने के बाद मैंने चावल शामिल कर दिए थे। अब तकरीबन चावल जो है दम पर आ चुके हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करके दम दे देंगे। अच्छे से हमने घुमाना है ताकि तह ना लग जाए या फिर जलना ना शुरू हो जाए, और इसे दम पर रख। तकरीबन 10 मिनट के दम के बाद मज़ेदार आलू चिकन पुलाव तैयार है। बहुत आसानी से और कम वक्त में ये तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपको बजट की भी ज़रूरत नहीं होती। कम ही अशिया में ये तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसे बड़े चावलों में बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ छोटे चावल यूज़ किए हैं क्योंकि ये चावल भी बहुत अच्छे होते हैं और ज़ायकेदार होते हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।